पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा अपमान हुआ है। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ही नहीं गोवा में भी हमारे मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी छोड़ गए। इसके अलावा हुड्डा ने कहा कि अन्य राज्यों में भी हमारे कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं। कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता की बात है, ये देश के हित में नहीं है, इसके लिए पार्टी को मंथन करना चाहिए। रोहतक में पूर्व सीएम ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन के पार्टी छोड़ने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कैप्टन के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी में हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और एक कार्यकर्ता के भी पार्टी छोड़ने से नुकसान होता है, उसी तरह कैप्टन साहब का पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पास अनुभव की कमी है। कैप्टन ने साफ कहा कि वो सिद्धू को हराने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कैप्टन यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक तक बता डाला है। मैं थोड़ा पहला भी कहा सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? आप अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। सर आप कुछ कांग्रेस के एमएलए जो मंत्री आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे क्या? सर कुछ कांग्रेस के एमएलए जो मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे साथ ही फ्लोर क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान के मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे युवा नेताओं के साथ कांग्रेस के तमाम लोग बीजेपी समेत अन्य दलों में चले गए हैं, जबकि हुड्डा उस J23 समूह का हिस्सा है जिसने पिछले साल पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। ऐसे में देखना ये होगा कि पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह का हरियाणा की कांग्रेस में क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।